क्योंकि आईएएस बनने का मतलब बहुत ज़्यादा समझदार नहीं, आईएएस का मतलब है थोड़ा समझदार और चीज़ों को नियंत्रित करके चले। गुड बेटर बेस्ट, गुड से काम नहीं चले, गुड से जो बेटर है उसका सिलेक्शन है, बेस्ट की जरूरत। सिविल सर्विसेज का मतलब बेटर का सिलेक्शन, गुड सभी हो सकते हैं बट जो बेटर है वो सिलेक्ट होगा, बेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आपको चांद पे जाएंगे, ना आपको समुद्र सुखाने की ड्यूटी दी जाएगी, ना समुद्र आचमन करना है आप, ना तो आपको अटलांटिक महासागर से यहाँ से वहाँ तक पुल बनाने का कोई ड्यूटी दिया जाएगा, ना हिमालय आपको लेकर उड़ना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो दिनचर्या में जीवनचर्या में घटित मापदंड हैं, सड़क हो, बिजली हो, सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, लैंड ऑर्डर हो, और भी जितना चीज़ आप सोच सकते हैं सब कुछ, उसी को मेंटेन करना है। तो आपको चाहिए मेंटेनर। सिविल सर्विसेज एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सोशल सिस्टम को मेंटेन देता है, मेंटेनेंस देता है। अब इसके लिए कितना दिमाग चाहिए जरा बताइए। सोशल जस्टिस पढ़ लीजिए, गवर्नेंस पढ़ लीजिए, थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लीजिए। अरे किसने कह दिया कि आप आईएएस बन जाएंगे तो बंदूक लेकर आपको जो है कीव जा करके यूक्रेन के साथ लड़ना है। भाई हमारी दुनिया में किसी भी दोस्त देश से दोस्ती हो सकती है, लेकिन कोई देश अगर लड़ाई में फंसा हो, मेरा दोस्त है तो हमारे थोड़ी ना अफसर चले जाते हैं वहाँ लड़ने के लिए। ये सब चुनौती आपके सामने नहीं आएगी। आपके सामने आएगी कि नेहरू कॉलोनी में पानी उनी का प्रॉब्लम हो गया, क्या करें। आपके सामने आएगा कि भाई वो कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं ट्रेन पलट गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं बवाल हो गया, आज रैली निकली है नेताजी की, कैसे मैनेज करें। मेंटेन करो, बिजली आती रहे, पानी आता रहे, स्कूल कॉलेज चलते रहे, चिकित्सालय ठीक से काम करते रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, हाँ जहाँ जिसको जैसी व्यवस्था है सब उसमें शामिल रहे। यू आर अ मेंटेनर, तो आप हो गए आईएएस, आईएएस तो बेस्ट हुए। बेस्ट तो कलाम साहब थे, जब मंगल पे हमने अपना भेजा हो तो दुनिया में किसी ने नहीं भेजा था बेस्ट है? ये है बेस्ट। तब भाई क्रिकेट की टीम जाती वर्ल्ड कप खेलने के लिए, बेटर होते होते जो जीत जाता है वो बेस्ट है, खत्म।